एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। चोरों ने दी खुली चुनौती, पकड़ सके तो पकड़ कर बताओ। ब्रेकिंग न्यूज सरेआम, लगातार प्रभात पठन क्षेत्र में चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है। ऐसे चोरों ने मानो पुलिस को खुली चुनौती दे दी है, बिना डरे धड़ल्ले से चोरियों की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके एक दिन पहले ही प्रभात पठन में इंडियन गैस के ऑफिस के शटर तोड़कर चोरी की गई। पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस टीम बना रही थी और एक चोरी की घटना सामने देखने को मिली। पूर्व सरपंच सुभाष देशमुख के बड़े भाई सतीश देशमुख, जो कि प्रभात पठन के कॉलोनी में निवास करते हैं, उनके घर पर भी रात को फिर चोरी की घटना देखने को मिली। सतीश देशमुख अपने बच्चों से मिलने के लिए परिवार के साथ रायपुर चले गए थे कि चोरों ने पता नहीं कब उस घर की रैकी कर ली और चोरी की घटना को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं क्षेत्र के चोरों के साथ गांव का भी कोई मिला जुला व्यक्ति होना माना जा रहा है। इसके पूर्व भी गांव में स्टेट बैंक से चोरी का मामला देखने को मिला। स्टेट बैंक में भी चोरों ने चैनल गेट तोड़कर चोरी करने का काम किया था, लेकिन सायरन बजने के कारण सफल नहीं हो पाए। पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया। इन चोरों की किसी न किसी दिन चोरी की खबर देखने को मिल रही है। सुभाष देशमुख जी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में चोरियां काफी जोरों से चल रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। चोर अपने पैर पसारते जा रहे हैं, बिना भय के चोरियां करते जा रहे हैं। आज मेरे बड़े भाई के यहाँ जो चोरी हुई है उसमें मोटरसाइकिल भी चोरी हुई है और घर का सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं नगद राशि, कुछ जेवर भी उड़ा ले गए हैं। ऐसे सुभाष देशमुख जी का कहना है। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते उनका पुलिस के लिए दो टुक संदेश है कि रात्रि में पुलिस के द्वारा गश्त होनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि क्षेत्र में जुआ सट्टा का अवैध कारोबार चोरों पर चल रहा है, इस कारण ऐसे व्यक्तियों को रुपयों की तंगी से गुजरना पड़ता है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति चोरी भी कर सकते हैं। इस प्रकार रवि देशमुख जी का भी कहना था कि सट्टे और जुआरियों पर भी अंकुश लगना चाहिए और स्कूल के इर्द गिर्द असामाजिक तत्व के लड़के जो घूमते फिरते हैं उन पर निगरानी रखी जाए। एनटीवी टाइम न्यूज के लिए विजय बंजारे की रिपोर्ट। बताइए देशमुख जी, यहाँ जो चोरी हुई और अभी पुलिस शिनाख्त करके गए और आप यहीं पे रहते हो, तो इस मामले में क्या जानते हो? इस मामले में क्या जानते हैं, देखा जब यहाँ टूटा हुआ मिला और सब मकान में देखा तो सब अस्त व्यस्त पड़ा है और अभी कोई यहाँ कोई निगरानी नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे कई मकान है कि जो रहते नहीं है, सब इधर उधर रहते हैं या किराएदार है कुछ, और हमेशा चोरियाँ होते रह रही। इसके पूर्व भी कई चोरियाँ, हाँ इसके पूर्व भी चोरियाँ हुई है ना। तो किस पे ऐसा आपको जाता है, किस पे ऐसा? ये क्या है, ये अपने ऐसे कई लड़के हैं कि जो आवारा तत्वों के घूमते रहते हैं दिन भर इधर, इसके ऊपर कोई गश्त नहीं होती, कोई पुलिस ख्याल नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। स्कूल टाइम देखो तो यह आवारा तत्व लड़के इतने ज़्यादा घूमते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और जो आपने इसके पूर्व बताया था, क्षेत्र में कुछ ऐसे अपराध भी आपको देखने को मिलते हैं? हाँ अपराध भी है ना, सट्टे सरीके, जुए सरीके, और इनको पैसों की तंगी पड़ती होंगी। अच्छा, जुए सट्टे? हाँ जुए सट्टे भी चलते हैं और इनको पैसों की कमी पड़ती तो क्या करेंगे, वो चोरियाँ कुछ नहीं कर पाते, चोरियाँ करते। धन्यवाद। बताइए यहाँ चोरी का जो मामला हुआ इस बारे में क्या जानते हो? प्रभात पट्टन में लगभग दो तीन चार दिन से लगातार चोरियाँ हो गई, लगभग चार जगह चोरी हो गई। खंडवे इंडियन गैस, एक हमारे यहाँ, एक अपना स्टेट बैंक और एक सातपुते गैस। अच्छा, तो चार चोरी अभी तक हो चुकी है जी? कुछ लगी खबर पुलिस के द्वारा? अभी तक तो कोई खबर नहीं, पुलिस आके देख के गई, जांच करके गई। इस मकान में जो चोरी हुई वहाँ से क्या क्या चीज़ गई? वो हमारे जो भाई साहब थे वो रायपुर में है वर्तमान में, वो कल पट्टन पहुँचेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या क्या गया। लेकिन एक बाइक गई यहाँ से चोरी। अच्छा, एक मोटरसाइकिल चोरी गई। क्या कहना चाहोगे ऐसी वारदातें जो लगातार अपने क्षेत्र में हो रही है? तत्काल इसमें प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तत्काल विराम लगाना चाहिए और जो आरोपी है उनको पकड़ना चाहिए।